राम राम में बिसारी बहनों ने सारी चाची ताइया ने जो भी चैनल से जुड़ रहा है सभी की राम राम। आज लग रही थी मैं अपनी अलमारी की साफ सफाई करने तो मैंने सोचा अपनी बहनों ने अपने सूट दिखा दूँ। मेरे बयान हो गए हैं 2.5 साल, तो जितने भी 2.5 साल में हमने सूट सिमाए हैं पार्टी वियर, तो आज की वीडियो में सारे मैं दिखाऊंगी। मैं अपने मैंने जो पिछली होली गई है उस पर पार्टी वियर सूट सिमाए थे, उसके बाद अब तक कोई भी पार्टी वियर सूट सिमाया नहीं है, यहाँ तक कि मेरी ननंद के ब्याह में भी नहीं सिमाया था। घरा गई जब भी मैं अपना सिंपल सूट सीन कर लेकर आई थी, क्योंकि गीता बाहर जाना होता नहीं तो ये सारे ऐसे कैसे रखे रहे, ये सारे गणकरे सूट ही से हैं जो मैंने एक बार दो बार या कोई तीन बार बस इतने डाल रखे हैं, तो दिखाऊँ तुमने। और बेबी कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सूट किसे लागे। और देखो बेबी यो सूट लाई थी बेबी मैं जब पहली बार होली पर गई अपने घर जब लेकर आई थी, यो सूट मैंने कई बार पहन लिया यो, तो क्योंकि यो शुरू शुरू में लेकर आई थी, तो जबकि मैं सारे सूट यूज हो रहे हैं मेरे, कितने भी जाना होता इन पैरा करती। यो देखो यो इसके घेरे का वर्क है और इसमें बीच में बनारसी बूटी सी बन रही है बीच बीच में, बढ़िया सूट था यो, ख़राब नहीं हुआ, किरा कैब पहन लिया मैंने। और यो इसका दुपट्टा है, पूरी कढ़ाई की चुन्नी है इसकी प्योर में और पूरी पर कढ़ाई है देखो, और साइड आकर लैस लाग दी है यार, देखो बढ़िया सूट लग गया था यो जो पहना हमने। और सलवार इसकी सिंपल है सेम कलर की, मेरे गणकरे सूट इसे मिलेंगे जो सेम सलवार सूट पाऊंगे, सूट के सूट पाऊंगे, अलग तो कम पाऊंगे। यो है मेरा येलो सूट, देखो बेबी यो सूट था उपाड़ा सिल्क का कपड़ा था इसका, पर वो कपड़ा ख़राब हो गया तो मैंने कढ़ाई कढ़ाई तार कर दोनों घेरे की भी और गले की भी, तो जाम से लगा कपड़ा लगा कर और ये लेस वगैरह लगा कर जो साइड हम लग रही तो दोबारा तैयार करा था, तो बढ़िया लुक आई थी। और ये बाजू बनाई थी इसकी, इनमें साइड हम कट कर रखा है यो। और सलवार और चुन्नी इसकी सिंपल है, सिंपल सूट था वो सिंपल कढ़ाई में, यो भी मैंने बहुत बार पहन लिए शुरू शुरू में सिलवाए थे। और यो सूट है, यो सूट है बेबे मेरा बड़ी के टाइम का, देखो लेमन येलो कलर का बड़ी के टाइम का है। और यू इसके घेरे का वर्क है, और जो हमने शादी में सूट सिलवाए थे वे सारे गणखरे वेस्ट हो गए, सारे गरा यूज हो गए थे, पहनने पड़ गए थे मैंने गराए, क्योंकि ब्याह के बाद सीधी होली पर भेजी थी घर पर, और सारे सूट मैंने अपने महंगे महंगे ए भी गराए पहनने पड़े थे तो सारे ख़राब हो गए थे, मैंने बहुत दुख होया था उस बात का। यो देखो ये सलवार के पोचे मैंने खुद तैयार करे थे, बढ़िया लगी थी यार, नीचे बढ़िया लुक आवर है और इसकी चुन्नी भी है भैया, देखो बहुत बढ़िया चुन्नी है इसकी, मैंने बहुत पसंद थी यार, धागे की कढ़ाई है चिकन से की साड़ी पर, और ये लेस लाग रही है चौकट है और ये लटकन लाग रही है इसको, ये नवे वे तय करती है अभी इतना ही टाइम लगेगा जितना दिखाने में लाग रहे हैं। और यो सूट है मेरी लाड कोथली का, जो पहली बार लाड कोथली जाया करे उसमें दिया था मम्मी ने यो सूट। और यो सूट पे वे पैर हमने इस ओया के बर्थ पे था, क्योंकि मनु करा गया अपने सूट सिलवा के सील का, असल तो खुद ही सिला करूँ मैं, सील का रखे रहा करूँ और फिर बाद में पहरा करूँ होली के सूट, दिवाली पे पहरा करूँ ऐसे में धरे रहा कर। ये देखो जो इसका गला था, गले पर वर्क था इस पर, और घेरे पर वो सिया थी लेस, और यह चुन्नी है इसकी प्योर की, इसके चारों तरफ लेस लाग रही थी प्योर की चुन्नी, बढ़िया चुन्नी है। और इसके नीचे मैंने पैंट बनाई थी, ये बटन लगा रखे हैं, पैंट में बहुत कम सूटा की बना करूँ क्योंकि काम करती आने में कंफर्टेबल ना रहती घर में, तो सलवारें बना लिया फिर मैं गणकरे सूटा की। जो देखो ये क्यों सूट है, यो लास्ट बार मैंने जब हैवी सूट सिलवाए पार्टी वेयर तो उस टाइम का है, यो भी मैंने बहुत बार पहन लिया ये सूट,
गांठ वर का काम है इस पर, धागे का गले पर, और सारे का ये छोटी छोटी बुट्टी सी बना रखी। और यह जो घेरा है यो मैंने तैयार कराया था लैस लगा कर, मैं खुद ही सूट सिला करूँ तो मैंने तैयार कराया था यूँ। और ये बाजू मैं कट कर रखा है, बटन लगा रखे हैं और लैस लगा रखी है, ये जो घेरे पर लगा रखी है। और भैया इसकी चुन्नी है सीक्वेंस वर्क की, और चारों तरफ यह पाइपिंग लग रही है। और जो इसकी सलवार है, सलवार के पोचे भी मैंने ये लैस लगा कर तैयार कर रहे थे, जो घेरे पर लैस लग रही है कमीज के वो ये लग रही है। इस पर भी देखो रखकर दिखाऊं सेम, तो देखो सेम लैस है, जो आ गई इस सूट की बारी। यो भी बेबे जब मैंने पार्टी वेयर लास्ट बार सूट सिमाए थे होली पर, पिछली होली पर जब सिमाया था, तीन सूट सिमाए थे, एक तो यो, इसे गले पर है वर्क गिल्ला कट दाने का और धागे का वर्क है गाठ वर्क, और बाजुआ पर भी है बाजू, और इसका भी घेरा मैंने खुद तैयार कराया था, यो प्लेन था, इस पर लैस लगा कर जब तैयार कराया था यो। और यह इसकी चुन्नी है सीक्वेंस वर्क की, वो एक प्योर में और सलवार सिंपल है इसकी। यो सूट आ रहा है, यो सूट भी बेबे मैं शुरू शुरू में ले कर आई थी, इसकी सलवार चुन्नी है सिंपल, देख लो मैं तो नहीं करती चलो, यो है देखो जी। यो सूट भी बेबे मैंने बहुत बार पहन लिया, मौका नहीं हुआ, वैसे तो ये ख़राब नहीं हुआ। इस पर देखो इन्हें बोला थे कलकत्ता वर्क, इसके गले पर बेल सी बना रखी है, ये तीन बूटे हैं, दो ऊपर और एक यो घेरे पर साइड पट्टी लग रही है। सारे सूटा की प्रेस ख़राब हो रही है, अलमारी में रखे रखे बने दिन हो गए। और ये देखो ये बाजू थी, इस पर दोनों साइड के फूल बना रखे है और यह पट्टी लग रही है। यो सूट है बेबे तीसरा जो मैंने ओली पे सिलवाया था पार्टी वियर सूट, यो पहरा था मैंने करवा चौथ पर, ओली का सी मैं सूट करवा चौथ पर पहरा था। और ये इसके कट बना रखे हैं बाजुआ के, इसमें डबल कट कर रखा है, एक में हमने सिंगल कट कर रखा है। और यो इसका वर्क आपने दिखता भी होगा, इसमें हमने वीडियो बना रखी है, देखा भी होगा आपने। और इसकी सलवार और चुन्नी सिंपल है, प्योर की चुन्नी है ऊन प्लेन है, और सलवार भी सिंपल है। और ई बागी बेबी इस सूट की बारी, जो भी सूट बेबी मैंने बहुत पसंद है, असल तो मैंने अपने सारे सूट पसंद हैं। इस पर बेबी गले पर यो वर्क है, यो मेरी मम्मी ने पहली जो दिवाली थी उसके सीधे में बेचा था मेरा। और यो देखो यो साइड कट है नीचे, यो सूट मैंने पहन तो कई बार लिया पर यो ऐसे कैसे है बहुत बढ़िया है। और सलवार चुन्नी इसकी सिंपल है। और यो वाला सेम सूट आपने देखा भी हो तो सपना ने भी पहना था, सपना चौधरी ने, और आपने देखा भी होगा उसकी वीडियोज में, ये दो रही हैं दो सूट सेम कलर के हैं। यो मेरा बरी के टाइम का है, यो कलर मैंने वैसे बहुत पसंद है, यो सूट है मेरा बरी के टाइम का। इसके घेरे पर देखो यो वाली पट्टी है, कटदाने का वर्क है इस पर, और यो वाला इसका गला है फ्रंट, और ये बाजू हैं, बाजुआ पर भी सेम यो ही है डिजाइन, और ये पट्टी लग रही है, और पीछे भी गले पर यो ही फूल बना रखे हैं। ये देखो यो सूट भी बेबे मैंने, यो सूट पहना बेबे हमने एक बार, वो भी यो जो महाशिवरात्रि गई है उस पर पहना था यो सूट, और जो मैंने करवा चौथ पर सूट पहना था वो मैंने दो बार पहना था बस। और यह इसकी चुन्नी है,
पेंट बना रखी है इसके नीचे मैंने, और यह वाली इसकी चुन्नी है, चारों तरफ लेस लग रही है और प्योर की चुन्नी है। फिर आ जैसे यो सूट भी वेवे मेरा बड़ी के टाइम का है, जो बड़ी में गए थे सूट, चार पांच सूट लग रहे जो उनमत है। इसके गले पर ये लटकन लग रही है, यो गला है और ये बाजू है इसकी, और सारे कहीं सीक्वेंस वर्क की कढ़ाई है और नीचे यो घेरा है, पट्टी सी बना रखी है इसकी। और यह इसकी चुन्नी है, समोसा लेस लाग रही है चौगड़े का, और प्योर की चुन्नी है, चुन्नी तो मेरी सारी प्योर की पाऊंगी। और इसके नीचे मैंने पेंट बना रखी है, अब आ गया मेरा वाइट सूट, ऑफ वाइट सूट। ये देखो ये पहन देखा है मैंने दो बार, ये देखो ये इसका गला है और ये इसका घेरा है, और सेम घेरे की तरह यह पट्टी लग रही है बाजू में, और इसकी सीक्वेंस वर्क की चुन्नी है प्योर में, और चारों तरफ यह लेस लग रही है, चारों तरफ नहीं दो कोना पर लग रही है, और यह चुन्नी है, और सलवार है सिंपल। मेरे बहुत टाइम लग गए इनकी तय करने में भी। और ये बाजा है मेरे ब्लैक सूट की बारी, यो आपने देखा भी होगा इसी में करते पहन गई थी। फिर मैंने सूट सिमाए तो पिछली होली पर सिमाए थे, पर यो मैं जब पे मैं जा रही थी जब एक सूट पहन कान का सिलवाया था बस, बाकी मेरे रखे हैं मैं बाद में सिलवाऊंगी। यो देखो यो इसका गला है, और यो देखो यो इसका घेरा है, क्योंकि जो शादी के सूट थे वो मेरे सारे ख़राब हो गए थे, गरा पहन में यूज हो गए थे, तो उसके बाद मैं सिर्फ एक एक दो दो सूट लिया करूँ पार्टी वियर, ना तो लिया नहीं करती, एक आधे सीधे माजे हैं तो वह इकट्ठे हो रहे हैं सारे, इनू के इनू रखे हैं, कोई एक बटा रखे कोई दो बटा रखे हैं। यह इसकी चुन्नी है, चार कोना पे या कढ़ाई दे रखी है इसके पर, और सलवार सिंपल है इसकी। सूट में गया हूँ बेबे, ख़राब हो जाए तो मैंने घना दुख हुआ है, तो मैं अपने एक के दो का पैर करूँ रखे रखा करूँ, अपने बहुत कम पहना करूँ, और ये लिया भी कम करूँ क्योंकि यूज होंगे नहीं, तो जाए एक एक दो दो यूज हो हैं, एक एक दो दो सूट ही से हो जाए अपना नेमंदर इकट्ठे हो जाए। यो सूट देखो बेबे, यो डिजाइन इतना चल रहा था, मैंने भी सिमवाया फिर पैर आई तो ही नहीं बेबे, शमा इधर है वाई बात है, मेरे शमा कदे हैं पैरों में कदी हूँ, और ये इसकी बाजू है। यह सूट मेरा इस होली के सीधा माँ था, और सेम सूट मेरी ननंद ने मंगवाया, फिर अब मेरा भी साए होना चाहिए तो उसका भी सेम सूट है ही साए, और यह इसकी सीक्वेंस वर्क की चुन्नी है। उसने यह सूट पहन लिया पर मन नहीं थी पहना नहीं है उन्होंने रखा है, और यह इसकी सिंपल सलवार है। लाल सूट यो भी सूट आपने देख लिया होगा, यो सूट मैं पहली बार होली पर गई जब घर पर जब ले आई थी, और यो मैंने पहना था दिवाली पर, होली का सिमया सूट दिवाली पर पहना था, और यो देखो इस पर ड्राई क्लीन करवानी है, यो पहन लिया हमने तीन बार। ये देखो इसका गला है और यो घेरा हूँ, बाजू इसकी सिंपल है, इसकी चुन्नी हैवी है पूरी, मेरे दो रैया एक के चुन्नी है जो हैवी है ना, तो सारी सिंपल चुन्नी पाऊंगी, कढ़ाई भी बहुत मुश्किल तो पावा है चुन्नियाँ पर, एक दो पे होगी ना, तो सारी प्लेन चुन्नी है। यो देखो ये दुपट्टा पूरा हैवी है, यो ये यूज तो होंगे नहीं, ये ब्याह शादी में पहरे जहाँ फिर आए ब्याह में पैर कर नू हो जाए अपने आप में, ये तो पुराना हो गया, तो जाए तो मैं तो कम ही लेकर आ गई, आए गेड़ी एक एक दो दो बस। यो सूट यो देख यो सूट बेबे, जब मेरा शुरू का होली का सीधा आया था मेरी मम्मी ने जब दिया था, ये दो ही सूट है मेरे दोरा ज़्यादा है अभी तो मोती मोतियाँ के ना तो इतने को ना है। तो देखो
कटदाने का वर्क है, इस पर याडम मोतिया का है और बाजुआ पर भी ये वर्क है और ये घेरे पर लैस लग रही है। सलवार इसकी सिंपल है और चुन्नी भी बहुत बढ़िया है इसकी, चारों तरफ यह लैस लग रही है सिल्वर कलर की और प्योर की चुन्नी है। ये थे बेबी मेरे सूट और सारी बाण कमेंट करके बताइयो कि तुमने ये किसे लागे, और बढ़िया लागे तो बढ़िया बता दियो, अगर किसी ने भूंडे लागे तो भूंडे ही बता दियो, पर कमेंट जरूर करियो। और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और जाते जाते फिरता राम राम बेबी सारी बाणा की।